गुड मॉनिंग एवरी वन वी विल कंटिन्यू और क्लासेज टूडे टॉप फिफ्टीन एम सी क्यू फॉर ऑल कंपटिटिव एग्जामसंस बाईशोक सर स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन यू बहुत हिंदी एंड इंग्लिश ओके स्टूडेंट आप वीडियो को पूरा पूरा देखें आप वीडियो को स्किप ना करें देखिए आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो अपने नॉलेज को आप नहीं बढ़ा सकते है. अगर आपके अपने ज्ञान को बढ़ानी है तो आप वीडियो को पूरा देखें ओके कम टू द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हु इज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इसमें से किसे भारत का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है ए लॉर्ड रिपन बी लॉर्ड माउंट सी लॉर्ड मेयो डी लॉर्ड हार्डिंग्स किसे कहा था बताइए आप इसका उत्तर वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ओके इट्स आंसर इज ए लॉर्ड रिपन मैं आपको बता दूं कि आज आप पंचायत और म्यूनिसपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं ये लॉर्ड रिपन की देन है ये किस में आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है ओके कम टू द सेकेंड क्वेश्चन गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज गिवेन इन द ईयर गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था ए नाइनटीन वन बी नाइनटीन सेवेंटी टू सी 1977 डी 1980 बताइए इसका क्या उत्तर होगा गरीबी हटाओ का नारा ओके इट्स आंसर इज ए 1971 देखिए इंदिरा गांधी ने जो हमारी प्रधान पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में उसी समय उन्होंने बीस सूत्री कार्यक्रम भी, भी चलाई थी ओके कम टू द थर्ड क्वेश्चन हु कंपोज द फेमस संस्कृत प्लेस नागानंदा एंड रत्नावली आपको बतानी है कि सबसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटक नागानंदा और रत्नावली का रचना किसने की ए कालिदास बी बानावटा सी हर्षवर्धना डी बहुभूति अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा ओके okay. इट्स आंसर इज सी हर्षवर्धन हर्षवर्धन के दरबार में बहुत से कवि थे उसमें से एक वान भी थे लेकिन हर्षवर्धन खुद एक कवि थे उन्होंने संस्कृत नाटक नागानंदा और रत्नावली की रचना की कम टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज ए वोल्ट बी वाट सी किलोवाट आवर डी एम्पेयर आपको बताना है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या है बताइए इसका उत्तर ओके इट्स आंसर इज बी वाट कम टू द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इज आपको बतानी है कि इनपुट डिवाइस इसमें से कौन है ए प्रोजेक्टर बी हेडफोन्स सी साउंड कार्ड डी बताइए इसका क्या उत्तर होगा ओके इट्स आंसर इज डी वेकम देखिए मैं बता दूं आपको कि कीबोर्ड माउस स्कैनर डिजिटल कैमरा और जॉयस्टिक ये क्या है इनपुट डिवाइस डिवाइस है और साथ साथ वेकम भी इनपुट डिवाइस है कम टू दिक्कस नंबर क्वेश्चन हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं ए डॉर्विन बी मेडल सी ब्रिज डी वाइसमैन बताइए इसका क्या उत्तर होगा जेनेटिक का पिता ओके इट्स आंसर इज बी मेडल मेडल को क्या कहते हैं जेनेटिक का पिता ओके कम टू द सेवन नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर द फील्ड ऑफ मेडिसिन मेडिसिन के क्षेत्र में यानी दवा के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है ए बी सी रॉय अवार्ड बी कलिंगा अवार्ड सी बोरलॉन्ग अवार्ड डी नन ऑफ दिस अब बताइए इसमें से क्या उत्तर होगा स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके ओके इट्स आंसर इज ए बी सी रॉय अवार्ड देखिए इनका पूरा नाम था विधान चंद्र रॉय अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1962 इन मेमोरी ऑफ बीसी रॉय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ओके कम टू द एट नंबर क्वेश्चन किसान दिवस फार्मर्स डे इज ऑन किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है ए सेवेंथ जनवरी बी नाइन्थ जनवरी C. 17 जनवरी D. 23 थर्ड दिसंबर एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं ए जनवरी सेवन बी जनवरी नाइन सी जनवरी सेवनटीन और डी दिसंबर ट्वेंटी थर्ड आप बताइए क्या उत्तर होगा इसका ओके इट्स आंसर इज डी दिसंबर ट्वेंटी थर्ड यानी तेईस दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के याद में किसान दिवस मनाया जाता है ओके कम टू द नाइन नंबर क्वेश्चन डुरंड कप इज एसोसिएटेड विथ ए टेनिस बी सुकर सी हॉकी डी नन ऑफ दिस बताइए इसका क्या होता होगा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है ओके इट्स आंसर इज डी नन ऑफ दिस देखिए इसमें से डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है फुटबॉल में यहां कोई भी ऑप्शन नहीं है इसलिए क्या होगा डी नन ऑफ दिस। ओके। कम टू नंबर क्वेश्चन द द वन फ्रॉम फॉलोइंग आपको इसमें ऑड बताना विषम बताना ए सुनामी बी अर्थक्वेक्स सी विंडमिल्स डी साइक्लोन्स बताइए क्या उत्तर होगा इसका ओके okay. इट्स आंसर इज सी विंडमिल्स देखिए सुनामी अर्थक्वेक्स और साइक्लोन जो है वो नेचुरल फिनोमिन है यानी प्राकृतिक घटनाएं हैं नेचुरल डिजास्टर लेकर आती है यानी प्राकृतिक आपदा लेकर आती है बट विंडमिल जो है वो पवन चक्की है ओके कम टू द एलेवन नंबर क्वेश्चन द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज थालैंड की करेंसी का नाम बताना है आपको ए भाट बी रुपे सी सी डी एन ए भाट बी रुपे सी यू और डी एन बताइए इसका क्या उत्तर होगा ओके इट्स आंसर इज ए भाट, ओके कम टू द ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन द हेड ऑफिस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई इज लोकेटेड इन आपको बताना हेड ऑफिस कहाँ है एस बी आई का ए कोलकाता बी न्यू दिल्ली सी पुणे डी अहमदाबाद ई मुंबई बताइए इसका क्या उत्तर होगा ओके इट्स आंसर इज ई मुंबई मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है ओके द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज सबसे लार्जेस्ट रिवर विश्व की कौन सी है ए नाइल बी एमेजोन सी ब्रह्मपुत्रा डी मिसिस्पी बताइए इसका क्या उत्तर होगा लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ओके इट्स आंसर इज बी एमेजोन अब मैं बता देता हूं कि नाइल एमेजोन यांगसी यंगस, जो नदी है इसके बारे में देखिए नाइल जो रिवर है वो फोर थाउजेंड थर्टी टू माइल्स है ये लॉन्गेस्ट है एमेजोन है वो फोर थाउजेंड माइल्स है ये लार्जेस्ट है और यांगसी जो नदी है थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टीन माइल्स है ये एशिया एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ओके कम टू द फोर्टी नंबर क्वेश्चन विच कंट्रीज कॉल्ड द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप यूरोप का प्ले ग्राउंड किस देश को कहा जाता है ए स्कॉटलैंड बी स्विट्जरलैंड सी नीदरलैंड डी फ्रांस बताइए इसका क्या उत्तर होगा ओके इट्स आंसर इज बी स्विट्जरलैंड इसका उत्तर क्या होगा स्विट्जरलैंड। चौदह नंबर का उत्तर आप जान गए कम टू द फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन द मुगल इंपेरियर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टैबैको वाज यानी तंबाकू का निषेध किस मुगल साम्राज्य ने लगाया था ए अकबर बी बाबर सी जहांगीर डी औरंगजेब आप इसका उत्तर दें इसका उत्तर क्या होगा ओके इट्स आंसर इज सी जहांगीर ने सबसे पहली बार तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था ओके इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लाइक माय वीडियो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन To get the latest notification regarding my any content and video. Thank you very much for giving your valuable time and watching my video. Thank you.